चक्की के दो पुड़ हैं, जो चक्की है ना हाथ से पीसते हैं उसके दो पुड़ होते हैं। नीचे वाला जो पुड़ होता है वो घूमता नहीं, वो फिक्स रहता है। ऊपर वाला पुड़ जो चलता है, जो दाने हैं वो बीच में डाले जाते हैं और पिसते हैं। आजकल देश में कांग्रेस का पुड़ नीचे है, खड़ा है, बीजेपी वाला चल रहा है और देश की 150 करोड़ जनता दाने हैं, पिस रहे हैं भाई साहब, पिस रहे हैं, पिस रहे हैं। पिसते पिसते दुखी हो जाती जनता जब 5 साल में, तो जनता सोचती है बहुत जालिम चक्की है यार, पीस रही है, चक्की पलट देंगे इस बार भाई साहब, चक्की पलट देते हैं कांग्रेस वाला घूमने लगता है। उस भगवान ने एक आदमी भेज दिया 5 फुट 5 इंच का, अरविंद केजरीवाल, उसके उसके हाथ में एक झाड़ू दे दिया कि दोनों चक्की के पुड़ों के बीच में से दाने निकाल ले। भाई साहब तुम कांग्रेस चो आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। सवेर का भुलिया शाम को करे आज, उन्होंने भुलिया नहीं, कहते तुम तो दोपहर ही आ गए। कांग्रेस की हालत जो है ना, वो उस बुजुर्ग जैसी है, 90 साल बुजुर्ग जिसको डॉक्टर मतलब घर वालों को बोल देते हैं घर पे ले जाके सेवा कर लो जी, अब इसमें कुछ नहीं है। एक बात मैं और बताने जा रहा हूं, बस मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है, आगे मत बताना किसी को, उनको बात निकल जाती है। 11 फरवरी को जब रिजल्ट आएगा ना, इनका स्कूटर भी गया, हमसे क्या लेने, दुखी हो गए हैं जो लगते हैं ये न्यूज चैनल वाले, इस समय चल रहा होगा मोदी मोदी मोदी, कोई फरिश्ता पैदा हो गया, ऐसा लगता देश ही जा देना दोनों ने कराया है। अंग्रेज तो शर्मिंदा होंगे कि हमसे इतना काम नहीं हुआ यार, जितना 2-3 साल में कर देते हैं। राजधानी दिल्ली की धरती इन दिनें राजनीति का अखाड़ा बनी हुई है। भाजपा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खुद को साबित करने लिए एक दूजे नाल सीधी टक्कर लै रही ने। अजिहे विच आप दा साथ देने लिए पंजाब के कई वड्डे चेहरे दिल्ली के चोण मैदान में उतरे हुए हैं, पर केजरीवाल तो बाद सब तो ज़्यादा भीड़ भगवंत मान दियां जनसभावां विच वेखण नूं मिल रही है। भगवंत मान भी जनता का मनोरंजन करदिया विरोधियों नूं खूब खरियां खरियां सुना रहे हैं। बीते दिन भगवंत मान ने दिल्ली के वजीरपुर च चोण प्रचार किया, तां मान नूं वेखण वालियां अते उहनां नाल सैल्फी लैण वालियां दी भीड़ लग गई। इस दौरान मान ने भाजपा अते कांग्रेस ते विकास ना करन दे दोष लाउंदिया केजरीवाल दे कम्मां दी जम के तारीफ कीती है। पंजाबी च कहिंदे आ कि दही जिन्ना मर्जी जमाना होवे पर जागदा तां इक्को चमचा चाहिदा हुंदा है। दिल्ली जाग दा एक चमचा दे रही है, पूरे देश में ईमानदारी और सच्चाई का दही जमेगा। और जाग जाग के बिना दही जमता नहीं है, जाग दिल्ली वाले दे रहे हैं। सो मैं कोई यहां कोई रवायती तौर पे भाषण देने नहीं आया कि हम ये कर देंगे जी वो कर देंगे, हम तो ये कह रहे हैं कि हमने ये किया है जी, ये किया है। मेरे से ज्यादा लोगों को पता है कि क्या क्या किया है। पहली बार हो रहा है देश में कि लोग पॉजिटिव वोटिंग कर रहे हैं, इससे पहले हम नेगेटिव वोटिंग करते थे कि इसको हराना है, इसने बहुत तंग किया 5 साल हमें लूटा है, इसको हराना है, जीत जो मर्जी जाए यार हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब उल्टा है कि इसको जिताना है, हार जो मर्जी जाए हमें कोई लेना देना नहीं। पॉजिटिव वोटिंग हो रही है। पहला मुख्यमंत्री है, पहला नेता है देश का आजादी के बाद अरविंद केजरीवाल, जिसने 5 साल के बाद अपनी जनता को जनतक रूप में बोल दिया
अगर मेरी सरकार के काम अच्छे लगते हैं तो वोट दे देना, अगर नहीं अच्छे लगते हैं तो वोट मत देना। ये कोई कहता नहीं है राजनीति में, ये बात कहने के लिए जिगरा चाहिए। ये बात वही आदमी कह सकता है जिसकी नीयत सच्ची हो, जिसका दिल सच्चा हो, जिसको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैंने कुछ किया है इसलिए। वरना तो अब तक यही सुनते हैं एक मौका और दीजिए जी, पांच मीठा, छह साल योजना, छठी पांच साल योजना, यही नहीं पूरी हुई है इनकी योजना, ही नहीं पूरी होती। जैसा कि हरेश भाई ने बोला, हो सकता है कागजों में ये गली चांदी की बनी हो सकता है, कागजों में तो बहुत कुछ बन गया। मैंने एक किसी सीडी में एक स्टायर किया था, व्यंग किया था कि एक नहर पर एक पुल बनाना था, टेंडर हुआ तो ठेकेदार को ठेका मिल गया, तो ठेकेदार ने उस एक मंत्री के साथ, भ्रष्ट मंत्री था, मिलकर पुल का पूरा पैसा आपस में बांट लिया, पुल नहीं बनाया, कागजों में लिख दिया कि पुल बन चुका है, हो गया काम। कई दो साल ढाई साल बाद कई उसी रूट से प्रधानमंत्री का दौरा आ गया कि वहां से प्रधानमंत्री ने जाना है, तो सफाई कर्मचारियों ने एक ट्रक कली का, रंग का, रोगन का अपना भर के सफाई कर देते हैं, उस पुल को साफ कर देते हैं, अच्छा लगेगा क्योंकि जहां से प्रधानमंत्री गुजरता है वहां अच्छा बनाते रहते ताकि प्रधानमंत्री को लगे कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही है बाहर भी। जब वहां पहुंचे वो नहर पर, वहां पुल ही नहीं था, इधर उधर भी देखा उन्होंने, पुल ही नहीं था। तो उन्होंने मंत्री को फोन किया कि मंत्री जी प्रधानमंत्री का दौरा है 15 तारीख को, हम सफाई महकमे की तरफ से आए हैं, पुल को रंग रोगन करना है, चमकाना है, तो ये पुल आपने बनाया था? कहते हाँ जी हमने बनवाया था। कहते सर हमने 2-3 घंटे हो गए हमें पुल नहीं मिल रहा, कहाँ गया, हमने तो डुबकी लगा के भी अंदर देख लिया, अंदर भी नहीं है सर, पुल कहाँ गया। तो मंत्री जी ने बोला कि आपको शर्म आनी चाहिए। सर शर्म आपको आनी चाहिए, आपने कागजों में पुल बना दिया और धरती पर नहर पर बनाया नहीं। तो मंत्री जी बोले मैं इसी बात के लिए कह रहा हूं कि आपको शर्म आनी चाहिए, हम इतना बड़ा पुल खा गए, तुम एक ट्रक कली का रंग रोगन का नहीं खा सकते, तुम भी लिख दो कि कर दिया रंग। ये काम चलता था हमारे देश में, अभी भी चल रहा है। मध्य प्रदेश में एक पुल था जो अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ था, वो छोटी ईंट वाला जो हवेली में लगती थी छोटी ईंट, तो पुल की एक्सपायरी को खत्म हुए 15-20 साल हो गए थे कि वो पुल एक्सपायर हो गया। तो हमारी भारत की सरकार ने बराबर में नया पुल बनाया और बोले अब जो एक्सपायर पुल है इसको डायनामाइट लगा के उड़ा दिया जाएगा। डायनामाइट लगाया, स्विच दबाया, धमाका हुआ, धुआं उठा, जब धुआं छटा तब पता चला जिसको उड़ाना था उसमें तो एक गड्ढा ही हुआ था, हमारे वाला धमक से ढह गया। ये सच्ची बात है, ऐसे हमने मतलब पुल बनाए, ऐसी हमने सड़कें बनाई, ऐसे हमने हॉस्पिटल बनाए, ऐसे हमने स्कूल बनाए। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल आया तो स्कूल का मतलब स्कूल बना, हॉस्पिटल का मतलब हॉस्पिटल बना, सड़क का मतलब सड़क बनी, बिजली का मतलब बिजली हुआ। नहीं तो लूटने में, मैंने पार्लियामेंट में बोला था, मैंने कहा उतना अंग्रेजों ने 200 साल में नहीं लूटा जितना अपने वालों में 60-70 साल में काम कर दिया,
बल्कि अंग्रेज तो शर्मिंदा होंगे कि हमसे इतना काम नहीं हुआ यार जितना 2-3 साल में कर देते हैं। मान ने दोष लाया कि आजादी तो बाद तो ही देश विच दो पार्टियां ने शासन किया है। जदों एक पार्टी 5 साल सत्ता भोग लैंदी है तां दूजी पार्टी आके पहली पार्टी वांगू ही देश नूं कथित तौर ते लुटण अते कुटण दा काम करन लग जांदी है। मान ने लोकां नूं दिल्ली विच कांग्रेस लई चोण प्रचार करन जा रहे पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तों पंजाब दे हालातां बारे सवाल पुछण दी अपील भी कीती है। चक्की के दो पुड़ हैं, जो चक्की है ना हाथ से पीसते हैं, उसके दो पुड़ होते हैं। नीचे वाला जो पुड़ होता है वो घूमता नहीं, वो फिक्स रहता है। ऊपर वाला पुड़ जो चलता है, जो दाने हैं वो बीच में डाले जाते हैं और पिसते हैं। आजकल देश में कांग्रेस का पुड़ नीचे है, खड़ा है, बीजेपी वाला चल रहा है और देश की 150 करोड़ जनता दाने हैं, पिस रहे हैं भाई साहब, पिस रहे हैं, पिस रहे हैं। कभी कभी हिंदू मुस्लिम की चक्की में, कभी GST की चक्की में, कभी नोटबंदी की चक्की में पिस रहे हैं, पिस रहे हैं। पिसते पिसते दुखी हो जाती है जनता। जब 5 साल में तो जनता सोचती है बहुत जालिम चक्की है यार, पिस रही है, चक्की पलट देंगे इस बार भाई सब। चक्की पलट देते हैं, कांग्रेस वाला घूमने लगता है। दाने तो बीच में रहे ना, चक्की को जिधर को मर्जी कर लो, दाने तो बीच में रहेंगे। लेकिन उस परमात्मा ने, उस वाहिगुरु ने, परविगदान ने, उस अल्लाह ने, उस भगवान ने एक आदमी भेज दिया 5 फुट 5 इंच का, अरविंद केजरीवाल। उसके हाथ में एक झाड़ू दे दिया कि दोनों चक्की के पुड़ों के बीच में से दाने निकाल ले। हमने जनता निकाल ली, अब खाली चक्की के पुड़ हैं दिल्ली में, घिसते रहे आपस में, चिंगारे निकल देंगे और क्या निकले, घिसते रहे। सो दोस्तों, ये कोई चुनाव जो है ना, ये आम चुनाव नहीं है, ये अमीर वर्सेस जमीर। एक तरफ अमीर है, एक तरफ जमीर है। जब अमीर और जमीर की लड़ाई होती है ना, तो उसमें जमीर जीतती है भाई साहब। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, नेता बड़े नहीं होते। लोग जब चाहे आदमी अर्श पर, और अर्श पर जाकर वो लोगों को एक समझता हो, लोग कहते हैं आजा पाई छा फर्श पर। अगर किसी जात धर्म के पीछे, उनके प्रचार के पीछे लग के, या किसी दबाव में आकर, या किसी रिश्तेदार के कहने पर कोई गलत बटन दबा कर आओगे, तो समझो अपने बच्चों की किस्मत 5 साल के लिए गिरवी रख कर आओगे। अगर अपने दिल से यह सोचकर कि यार इस आदमी ने मेरे घर की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर डाला है, मेरी बिजली का बिल कम हो गया, मुझे पानी फ्री मिलने लग गया, मेरे बच्चे की फीस कम हो गई, महिलाओं की सुरक्षा होने लगी है, सड़कें बन रही हैं, कैमरे लग गए हैं, मैंने वोट डालनी है, अगर अपने दिल से वोट डालकर आओगे तो समझो अपने बच्चों की किस्मत को चमका के आओ। सिर्फ ये बात याद रख लेना बस। सो दोस्तों, पंजाब तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी आ रहे हैं स्टार प्रचारक बन के। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पूछना है कि तुसी केड़े मुंह नाल वोटां मांग रहे हो। कैप्टन अमरिंदर सिंह आके इत्थे ये कहेंगे के जी वोटां पाओ कांग्रेस नू, मैं पंजाब वांगू बिजली दऊंगा, 9.5 रुपए यूनिट है जी साडे उत्थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कहेंगे कांग्रेस नू वोटां पाओ, पंजाब भर के सरकारी स्कूल बना देंगे, 850 सरकारी स्कूल बंद हो गए। वो केड़े मुंह ना वोटां मांगन गए थे। कांग्रेस दी गाली ना करो, कांग्रेस तां निपट गया काम।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੰਮ ਉੱਥੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਹਾਲਤ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੈਸੀ ਹੈ, 90 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਸ ਕੋ ਡਾਕਟਰ ਮਤਲਬ ਘਰ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਬੋਲ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਘਰ ਪੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੋ ਜੀ, ਅਬ ਇਸਮੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਤੋ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ ਕੋਈ ਪੰਖੀ ਝੇਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਮਚ ਸੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ, ਨਾ MLA ਨਾ MP। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ, ਜਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਰਹਿਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ MLA ਹੈ ਨਈ ਦਿੱਲੀ। ਅਗਰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੇ ਘਰ ਪੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੋ ਯਹੀ ਕਰੇ, ਵੋਟ ਤੋ ਆਪਕੋ ਹੀ ਦੇਂਗੇ। ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲੋ, ਵਹੀ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਤੇ ਥੇ ਚੁਣ ਕਰ ਆਈਏ, ਸੜਕੋਂ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਤੇ, ਜਵਾਨਾ ਜੀ ਕਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥਾ, ਚੁਣ ਕਰ ਆਈਏ, ਚੁਣ ਕਰ ਆਈਏ। ਅਬ ਹਮ ਤੋ ਚੁਣ ਕਰ ਆ ਗਏ, ਵੋ ਚੁਣ ਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੋ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਕੀ ਬੋਲੀ ਮੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਬ 2014 ਮੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਹੀ ਮੌਜੂਦ ਥਾ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਮੇ ਹੰਕਾਰ ਥਾ। ਕਿਆ ਬੋਲ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋ 44 ਸੀਟੋ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤੋ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਮੇ ਬੈਠ ਕਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਹਮੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਯੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਦੇਖੀਏ ਹਾਰ ਜੀਤ ਚਲਤੀ ਰਹਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਕਭੀ ਇੱਧਰ ਕਭੀ ਉੱਧਰ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਮ ਤੋ ਯੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਬ ਹਮ ਆ ਗਏ, ਤੋ ਕਹਤੇ 44 ਸੀਟੋ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੇ ਤੋ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਮੇ ਬੈਠ ਕਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੇ ਆ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਹਮੇ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਅਬ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋ ਯੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਿ 2015 ਕੀ ਫਰਵਰੀ ਮੇ ਦਿੱਲੀ ਮੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਗੇ, ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋ 67 ਸੀਟੇ, BJP ਕੋ 3, ਅਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਥੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਤੋ ਅਬ ਜਵਾਬ ਦੂੰਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਵੀ ਜਾਤੇ ਹੀ ਬੋਲਾ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਪਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਲੇ ਸਕੂਟਰ ਪੇ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਐਸੇ ਮਾਥੇ ਪੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੇ ਥੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਸਦ ਹੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਮੇ ਆਨਾ ਜਾਣਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਨੌਰਥ ਐਵਨਿਊ ਮੇ ਘਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ MPs ਕੋ, ਤੋ ਦੋ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਚਲਤੀ ਹੈ ਤੋ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਆਟੋ ਵਾਲੋ ਸੇ ਕਭੀ, ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਸੇ ਕਭੀ, ਕਿਸੀ ਹੋਟਲ ਕੇ ਵੇਟਰ ਸੇ ਕਭੀ, ਆਮ ਲੋਗੋ ਸੇ ਪਾਲਾ ਪੜਤਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਵਾਸਤਾ ਪੜਤਾ। ਅਭੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੇ ਛਤਰਪੁਰ, ਮਹਿਰੋਲੀ, ਰਿਠਾਲਾ, ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਗਰ ਥਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਆਪਣਾ ਕਸਤੂਰਬਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੀ, ਆਪ ਉਤਨੀ ਗਲੀਆਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਤਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਕਾ ਮੈਨੇ ਮੂਡ ਦੇਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਮੈਂ ਔਰ ਬਤਾਨੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਗੇ ਮਤ ਬਤਾਨਾ ਕਿਸੀ ਕੋ, ਉਨ ਤੋਂ ਬਾਤ ਨਿਕਲ ਜਾਤੀ ਹੈ। 11 ਫਰਵਰੀ ਕੋ ਜਬ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਇਨਕਾ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਅਬ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ TV ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਤੇ ਹੈਂ, ਦਿਲਾਜੇ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਾ ਦੰਗਲ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ, ਯੇ ਵੋ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਚਲਤੇ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪੇ 3 ਫੋਟੋ ਲੱਗਤੀ ਹੈ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ, ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੀ। ਚਲੋ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਮਾਨ ਲੇਂਗੇ, ਉਨਕੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਲਗੇਗੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ, ਵੋ ਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋ JP ਨੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਵੋ,
असल में मोदी ने अमित शाह को कहा होगा कि भाई साहब नए साल की पहली हार तो मेरे नाम मत लगाओ, मेरी फोटो निकाल लो। जहां जीत जाते हैं कहते हैं मोदी का जलवा, जहां हार जाते हैं कहते हैं लोकल टीम हारी है। कितनी देर चलेगा, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। तो दोस्तों मैं यही कहने आया हूं आपको कि हम ये वोट मांग रहे हैं, बीजेपी वाले वोट मांग रहे हैं मोदी और अमित शाह के नाम पर। आम आदमी पार्टी वोट मांग रही है अरविंद और मनीष सिसोदिया के नाम पर, काम पर, काम पर। आपको नाम चाहिए या काम चाहिए? हाँ, नाम से क्या लेना है आपने, नाम से क्या लेना है? दुखी हो गए हैं जो लगते हैं ये न्यूज चैनल वाले, इस समय चल रहा होगा मोदी मोदी मोदी, कोई फरिश्ता पैदा हो गया, ऐसा लगता है देश ही जा देना दोनों ने कराया है। अरे 90% कुर्बानियां पंजाबियों की हैं देश को याद करवाने के लिए। ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अब अशफाक उल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, वो कहां गए? उनको भूल गए सर, हिस्ट्री बदल रहे हैं, क्या दिनों नहीं करवाया? ये मोदी जी क्या कहते हैं? मैं तो इनकी बात बात पकड़ता हूं, पकड़ के बोल देता हूं, इसीलिए मेरे से दुखी है ये। क्या चुनाव, चुनाव के समय मोदी जी कहते हैं गर्व से कहो तुम भारतीय हो, और जीतने के बाद कहते हैं साबित करो तुम भारतीय हो। हद है यार, हद है यार। अब हम कहां से आए हैं भाई, अपनी स्कूल की डिग्री नहीं दिखा सके वो। जहां कहते हैं मैं चाय बेचता था वहां स्टेशन ही नहीं था उस साल में, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, मतलब झूठ भी शर्मिंदा है कि कम से कम थोड़ा बहुत तो सच्चा। देखो आटे में नमक चल जाता है, ये नमक में आटा डालते हैं, तो इनकी बातों पर यकीन मत करना भाई साहब। आएंगे यहां आपको कोई बताएंगे हमने ये कर दिया वो कर दिया, सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। जब सीए का बिल आया था तो पार्लियामेंट में मैंने बोला था, मैंने कहा जी आपका सारे सीए के बिल का चार महीनों में निपटारा कर देता हूं, कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। हम सब लोग एकता से रहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने हम नदी दरिया को नदियों और झीलों में बांट रहे हैं। हम सब एकता खंडता से रहना चाहते हैं, इससे पहले ये माहौल नहीं था, आज हो रहा है। सड़कों पर निकले हुए लोग जो सड़कों पर अपना हक मांगता है कहते तुम देशद्रोही है, ऐसा नहीं चलेगा। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। इन्हें कह दो कि भगवंत मान आया सी केशवपुरम दे विच, आ गल कह के गया कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ ऐसे ही रह जाता है, जाऊंगा तो नाल तुहाडे चंगे कर्म, गरीबां दीआं दुआवां हो जाणगे नाल। गरीब की दुआ और खुदा की दरगाह एक ही बात है भाई, सब सीधा रास्ता है, सीधा जाती है वहां पे। दस दिए कि दिल्ली विच भगवंत मान तो इलावा अमन अरोड़ा, हरपाल चीमा, मीत हेयर ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 100 ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਮਾਮ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।